आज बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, खेत में जाना था लेकिन धूप कम ही नहीं हो रही है। कल से तो 2-3 बजे से बादल जैसा आने लग गया था लेकिन आज पूरा धूप है। खेत में जाना है गोबर फेंकने के लिए और धान बुआई भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पे, दिखाऊंगी मैं आपको अपने सिरे का नज़ारा, आजकल सिरा में क्या काम धंधा चल रहा है। वीडियो काफ़ी दिनों से बना रही हूँ, आराम से देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे जो नए दोस्त हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहाड़ों में भी काफ़ी गर्मी हो गई है आजकल। पीछे जो ग्वाड़ था बबन का तो उन्होंने तोड़ दिया है, यहाँ पर बना रहे हैं वो अपना नया वाला लेटरिन। तो मालिक आ गई है अभी, खुद ये मेरी दोस्त बना रही है अपने हाथ से ब्लॉग। जो अब थोड़ा सा छोटा जैसा था पुराना लेटरिन तो इसको बड़ा बना रही है टाइल्स वगैरह लगा के। बबन इसमें चिड़ाई कौन करेगा? यहाँ तो कौन करेगा? तू करेगी? क्यों, इसको बनाना भी आ जाता है तेरे को? बब्बन जी आवाज़ लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चाय बनाने के लिए? हाँ। अच्छा अभी से इतना गर्म हो रहा है? अच्छा कहाँ जा रही? खवाणी मवाणी ऊपर माया लोगों के, वहाँ वहाँ से दूध मिलता होगा ना? हाँ। अच्छा देखिए आप फिर कितना मिलता है दूध? एक गिलास? एक गिलास ठीक है। दोस्तों चौमास के दिनों में बेल वाली सब्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमारे लौकी के पेड़ हो गया और करेला लगा रखा है जो बेल भी जाने लग गया है, और देख सकते हैं बीन्स भी लगे हैं, और जो ये लाई के पेड़ हैं सलाद के रूप में खाए जाने वाले, इसमें अब दाने आने लग गए हैं, बीज के लिए तैयार होने लग गया है ये। और उधर देख सकते हैं ये पेड़ के नीचे भी मैंने बेल वाली जो भी सब्जी होती है वो लगा रखे हैं, करेला हो गया, तोरई हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं उधर को हमारी उगा हो गए, बीन्स हो गए, भिंडी वगैरह लगा रखे हैं। हमारी बहुत अच्छी बागवानी हो रही है, सब्जी अपना खाने के लिए हो ही जाता है। छत में भी हमारे बहुत सारे फूल खिले हैं क्योंकि हम गर्मियों में भी डेली डेली पानी डालते हैं तो फूलों में एहसास नहीं होता है गर्मियों का। काफ़ी गर्मी होने पर भी हमारे आंगन के फूल बहुत अच्छे खिले हैं, देख सकते हैं आप। हमारा पेड़ अभी भी मुरझाया नहीं है, बहुत सारे फूल खिले हैं। आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। जब मैं ससनल की टागरा धाया आई है फोटो झोल टाइप ऑफ मोदी और मुख्यमंत्री धामी राशन को और खाना झोल में ससनल टागरा हो या हद गए। अगर यार हमका राशन मिलना तो मैं हाला गढ़ में जाना जरूर नहीं थी। हेलो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मैं हेमा नेगी बागेश्वर बिलोना सिरा से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, और स्वागत करती हूँ आज मैं नदी के किनारे से नारद कुंड के बगड़ से। तो दोस्तों बैठी हूँ बचपन घर के ऊपर, अभी आए घर से, धूप लगी थी बहुत ज़्यादा तो सिरे में आते ही बादल आ गया था, तो मैं अपना काम करके बैठ गई हूँ यहाँ पर छत पर। तो दोस्तों दिखाती हूँ यहाँ सिरे का नज़ारा, बहुत ही आनंद आया है और अभी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ये गधेरे के सामने वार को बैठी हूँ, बीच में दिख रही नदी आपको, ऊपर पहाड़ हैं। दोस्तों आजकल सभी लोग अपना सिरे में बुआई चल रही है तो सभी सिरे में दिख रहे हैं, अपने अपने खेतों पर आए हैं और हम बैठे हैं बचपन घर के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी हवा आ रही है तो देख सकते हैं आप हमारे गाँव। रास्ता नदी किनारे दिख रहा है आजकल ही बना है, बहुत अच्छा रास्ता बना है। पहले से जो बना था और टूट गया था तो इस बार ये फिर नया रिपेयरिंग हो रहा है। नदी किनारे बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्मी में बैठने के लिए लोग आते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा दीवार, सुरक्षा दीवार यहाँ पर बन चुकी है नदी के किनारे। ये है नदी, आजकल ये अभी गोमती नदी आई है शायद, बारिश हो रही है ऊपर तो अभी ज़्यादा नदियाँ नहीं आ रहे हैं, गोमती नदी आई है शायद, लाद हो रही है। तो ये पार पर है एक मकान जो झाड़ियों के बीच नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। आप देख सकते हैं नदी के किनारे मछुआरे मछली मारने के लिए आए हैं,